बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेट फोर, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। ग्रेट फोर पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे आज हम। होप सो आप लोगों ने सबने अपना काम पिछला वाला जो है साथ साथ कंप्लीट कर लिया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस भी करते रहे होंगे। तो मैथ तो प्रैक्टिस के बगैर नहीं होता, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है, इसलिए काइंडली डेली प्रैक्टिस किया करें मैथ्स की। 15 to 20 मिनट्स बस दे दिया करें मैथ्स को, तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। पेज नंबर 103 पे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कॉपी एंड कंप्लीट, ये आपने अपनी नोटबुक्स पे करने हैं। अगर बुक्स पे करने की है कैपेसिटी तो आप बुक्स पे ही कर लें इसे, पेज नंबर 103 को। अदरवाइज आपने नोटबुक्स पे करना है, और प्रैक्टिस तो आपने ऑब्वियसली नोटबुक्स पे ही करनी है। मेजरमेंट्स आपको दी हुई हैं और आपने इनको क्या करना है, सिंपली प्लस में करना है, डेसिमल्स में दी हुई है। तो प्लस आप सबको करना आता है, मैं बी वाला पार्ट कर रही हूँ। 9 + 2 = 11, 1 यहाँ और 1 ऊपर, कैरी आ जाएगा, ठीक है। 6 + 5 = 11 and 1, 12, 2 नीचे और 1 ऊपर, कैरी। पॉइंट एज इट इज जहाँ पे था वहीं पे नीचे। 8 and 3 = 11 and 1, 12, 1 अगेन कैरी। 7 and 4 = 11 and 1, 12, 1 अगेन कैरी। 1 and 1 = 2। तो आंसर क्या आ गया आपका, 222.21। इसको हम 21 नहीं 21 पढ़ते हैं, जो लास्ट वन होते हैं, पॉइंट के बाद वाले जो होते हैं। ए प्लस का मैंने कर दिया है, ऑप्शन ए भी प्लस वाला है, वो आपने खुद से करना है, ठीक है। अगेन माइनस के दो हैं, सी वाला ऑप्शन आपने खुद करना है माइनस, डी वाला ऑप्शन मैं आपको माइनस करके बता देती हूँ। 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, यहाँ से कैरी लें 1। 11 में से 8 माइनस किए, 3, यहाँ पे क्या रह गया था, 3। अब 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, तो यहाँ वाले 3 से 1 कैरी ले लें, ये 13 बन जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2। 13 में से 5 माइनस किए तो 8, पॉइंट की जगह पे पॉइंट। 2 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, 0 से कैरी भी नहीं आ सकता, 0 से पहले यहाँ कैरी देंगे, 10 बन गया, 10 में से कैरी 1 यहाँ देंगे तो यहाँ रह गया 9 और यहाँ पे 12 बन गया। 12 में से 7 माइनस किए तो 5, 9 में से 6 माइनस किए तो 3। तो आंसर क्या आ गया इसका, 35.83। इसके ऑप्शन नंबर ए और सी होमवर्क है आपका, ठीक है। राइट वर्टिकली एंड कंप्लीट, मैंने वर्टिकली इनको ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप लोगों ने ऐसे लिखना है वर्टिकली, ठीक है। इसको भी क्या करना है, आप लोगों ने प्लस करना है और माइनस करना है। ऑप्शन ए आप खुद करेंगे, होमवर्क में लिख रही हूँ मैं, डी भी खुद से करेंगे, ये दो पार्ट आपके होमवर्क हैं, बाकी मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ, ठीक है। 6 + 5 = 11, अच्छा यहाँ पे M लिखना है साथ इसके, ताकि पता चले कि ये M वाले हैं, मीटर वाले हैं। 6 + 5 = 11, 1 आया ऊपर, M ऐसे ही लिख दे एज इट इज़। 9 + 1 = 10 and 8 = 18, पॉइंट अपनी जगह पे ऐसे ही, 1 कैरी। 3, 5 और 1 = 6, 4 और 5 = 9, 2 एज इट इज। तो आंसर क्या आ गया, 296.81। ऑप्शन नंबर सी माइनस करना है आप लोगों ने, 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकते, एम को तो एज इट इज लिख देना। यहाँ से 1 कैरी लिया, यहाँ पे 12, यहाँ पे रह गया था 1, 12 में से 3 माइनस किए तो 9,
वन रह गया था ऑप्शन, फिर वन में से नाइन माइनस नहीं हो सकते, यहाँ से वन कैरी लिया, ये इलेवन बन गया, तो यहाँ पे वन रह गया, इलेवन में से नाइन माइनस किए तो टू। अब अगेन कैरी लेंगे, जीरो से तो कैरी आ नहीं सकता, तो आप पहले यहाँ से कैरी ले गए यहाँ पे, फिर यहाँ पे टेन बन गया, टेन में से यहाँ पे वन कैरी ले लिया, तो यहाँ पे अगेन क्या रह जाएगा, नाइन, और यहाँ से तो एक कैरी ले लिया, तो यहाँ पे वन। इलेवन में से सेवन माइनस किए तो फोर, नाइन में से एट माइनस किए तो वन, और वन क्या आ जाएगा एज इट इज, तो आपका आंसर आएगा 114.29 m। ठीक है, लास्ट वन इज, अब तीन वैल्यूज आपको दी हुई, आपने तीनों को प्लस कर लेना है, 8 + 2 = 10 and 3 = 13 m एज इट इज, वन कैरी, 9 + 1 = 10 and 5 = 15 and 7 = 22, 2 यहाँ, 2 कैरी, 8 and 2 = 10 and 4 = 14 and 4 = 18, 1 कैरी, 7 + 3 = 10 1 = 11 and 6 = 17, तो आपका आंसर आएगा 178.23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए और सी, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए और डी आपने एज अ होमवर्क करना है। ठीक है, होप सो आप लोग अपना काम, मैं आपको इसीलिए थोड़ा थोड़ा काम करवा रही हूँ फोर क्लास, ताकि आप लोग अपना काम साथ साथ कंप्लीट करें, अपना होमवर्क भी कंप्लीट करें, और जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवाती हूँ उन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, तो काइंडली आप लोग उन इस काम की प्रैक्टिस भी किया करें, जो काम मैं आपको यहाँ पे करवाती हूँ, इसके अलावा जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ ना, वो होमवर्क करके किसी घर में किसी बड़े को चेक करवाया करें, अगर ठीक है तो उसकी भी प्रैक्टिस किया करें, और नहीं ठीक तो अगेन उसको ठीक करके उसकी प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें जल्दी से, होमवर्क वाले पार्ट लाजमी लिखिएगा, क्योंकि आपने होमवर्क लाजमी करना है। अगर ये मैंने आपको बार बार कहा है कि जो काम बुक पे होने वाला है वो बुक पे किया करें, अदरवाइज उसको नोटबुक पे किया करें। ठीक है, प्रैक्टिस वाली नोटबुक अलहदा से बना लें, और एक नीट टाइप नोटबुक बनाएं जिस पे आप लोगों का ये सारा काम बहुत ही नीट एंड क्लीन हुआ हुआ हो, जो मैंने करवाया है वो भी, और जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ वो भी, दोनों। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा, अगर किसी को समझ नहीं आता तो काइंडली वो वीडियो को रीप्ले करके देख लिया करें। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, ठीक है, और मैथ्स मैं आपको बार बार कहती हूँ कि प्रैक्टिस के बगैर नहीं आता, तो काइंडली 15 to 20 minutes दे दिया करें इसको। ठीक है, मेरे ये लेक्चर सुनने के अलावा भी इसको 20 minutes आपके चाहिए मैथ्स को। ठीक है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन, अल्लाह हाफिज़।